गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और अभी कितने बजे माँ? 3:30 बज चुका है और पूरे दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। कुछ फोटोशूट भी किया है और बेटी के साथ, फिर मम्मी के साथ, सब मिला के हो गया पूरा दिन। तो अभी मैंने जस्ट वीडियो स्टार्ट किया। और आज है महाअष्टमी, तो अष्टमी के दिन है और कोई साड़ी ना पहनूं कैसे हो सकता है? वैसे मतलब मंडप पे तो नहीं जा रही, लेकिन फिर भी घर बैठे भी साड़ी पहनी हूँ मैं। ये इसको स्टैंड करती हूँ। मम्मी का ही साड़ी है। और मम्मी का ये इतना बड़ा बिंदी, और मैंने आज सिंदूर भी कुछ इस तरीके से लगाया, जो पाउडर सिंदूर जो होता है वो मैंने लगाया। तो एक्चुअली सब कुछ के साथ ऐसे मैच करके मैंने, साड़ी के साथ अच्छा लगता है ऐसा लुक है ना, तो इसलिए। तो हो गया मतलब दुर्गा पूजा का, और 3 डेज है बाकी, तो मोटा मोटी अच्छा ही गया है जितना दिन गया है। घर पे बैठ के ही हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। मतलब इधर पे चारों तरफ से गाना भी बज रहा है, फिर पूजा होते हैं। पूजा का जो मंत्र है वो सुबह से, मतलब जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही वो कान पे आते हैं, तो अच्छा लग रहा है वो सुन के। तो बस हो गया, और तो 2-3 दिन ही है। और मेरी बेटी अभी सो रही है, और थोड़ा से इसके साथ वीडियो किया है। शाम को मैं फोटो कुछ खींचूंगी बेटी के साथ। और इधर मेरी मम्मी, मम्मी अभी लेट है, फोन देख रहे हैं। मम्मी के फोन पे ना फेसबुक का वो कनेक्शन बंद हो गया, तो मेरे फोन से ही देख रहे हैं। कल एक्चुअली बहुत सारे जो मौसी लोग आए थे, तो उनके साथ सारे फोटो वगैरह बहुत सारे खींचे थे फोटो, तो वो सब मैंने FB में डाला है। तो वही मम्मी कल से देखने की कोशिश कर रहे थे, फोन पे नहीं चल रहा है, तो मेरा फोन भी नहीं मिला था हाथ में, तो अभी जैसे मिला है तो बस देख रहे हैं। तो ऐसा है। ओ अच्छा, कल मैं बोल रही थी कि मासी ने एक ड्रेसेस लाया है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, और मेरी बुआ ने भी लाया है दो, और मैं दिखाती हूँ। तो ये है, ये टॉप है ऊपर का, बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और ये है, ये हॉट पैंट टाइप, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलर भी मुझे बहुत पसंद आए। ये है, इसको मैंने एक्चुअली अभी तक वॉश नहीं किया। सारे जितने भी कपड़े आते हैं सब मैं एक बार वॉश करके फिर पहन आती हूँ। और ये है, ये मेरे बुआ ने लाई है, ये भी बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है। और इसके साथ की है पैंट, और दूसरा ये और एक कलर का है, दोनों ही बहुत प्रिटी है, मतलब बहुत अच्छा है कलर ये। और वाह, और एक्चुअली ना अच्छा, मासी ने और काशे का क्या बोलते हैं थाली, वो लाए हैं, तो वो मैं अभी नहीं दिखा रही क्योंकि बेटी का जो राइस सेरेमनी है उस दिन उसमें खिलाया जाएगा सब कुछ दे के, बहुत सारा कुछ आइटम दे के, इसलिए मैं अभी वो नहीं दिखाऊंगी वो वाला। बस ये ड्रेसेस वगैरह ऐसे करके क्लीन करना है, और मेरी दीदी भी आएगी कल, क्या जुम्मा दीदी कल ना? अच्छा, दीदी का भी पोस्टपोन हो गया 2 दिन, तो देखते हैं जब आएंगे तो दीदी के साथ भी अच्छे से वीडियो वगैरह करेंगे। और मतलब मैंने एक वीडियो कल एडिट किया है, 2-3 मेरा ऐसे जम गया था,
टाइम नहीं हो रहा था उसको एडिट करने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगता है एडिट के लिए, तो एक मैंने एडिट कर लिया है, अब उसको मैं अपलोड करूँगी आज। और बाकी आगे जितना जितना मैंने बनाया वो थोड़ा सा लेट होगा। बस माँ यहाँ सुबह तो फिर शाम को बेटी उठ जाए उसके बाद मैं मिलाती हूँ आप लोगों से। अभी सो रही है तो मैं अभी नहीं जगाऊंगी उसको, नाना जी के साथ सो रही है। बस अभी तो मतलब राइस सेरेमनी का तैयारी करना है सब कुछ, बहुत सारा कुछ। वैसे बहुत सारा लोग तो नहीं होगा लेकिन फिर भी जितना है जिसके लिए है उसी के साथ ही मतलब उसको ही अच्छे से सजा के मतलब सब कुछ रेडी करना है। बस इसका प्रिपरेशन चल रहा है। दशहरा दशहरा की 2 दिन बाद है, उसके बाद दूसरे मतलब उसके बाद लक्ष्मी पूजा है, तो वो सब कुछ वीडियो वगैरह मैं बनाऊंगी। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और अभी 2 बज चुका है और हैप्पी नवमी। और आज नवमी है, दुर्गा पूजा का 9th डे है, मतलब नवरात्रि जिसको बोलते हैं, आज वो है। और आज मैंने कल दोपहर में वीडियो बनाई थी, उसके बाद अभी बना रही हूँ। और ये ड्रेस मम्मी ने दिया है, ये कुर्ती मेरा दुर्गा पूजा का, ये कुर्ती मम्मी ने दिया है, उसके साथ एक अलग से पैंट भी है। तो नया ड्रेस पहनी हूँ और बेटी को भी नया ड्रेस मैंने पहनाया। और बस देखते देखते हो गया, पूजा खत्म होने वाले है, मतलब कल दशमी है, कल पूजा एंड हो जाएगा, फिर लक्ष्मी पूजा आएगा। मतलब अब बंगाली लोगों का तो एक बोलते हैं कि 12 मासे 13 पार्वण, मतलब लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। बस हम लोग एक्चुअली बाहर रहते हैं तो उस हिसाब से वो पता नहीं चलता है, फेस्टिवल की जो मजा है वो भी उतना नहीं आता है। लेकिन जैसा भी है, जब बंगाली है तो दिल में तो वो चीज़ रहता ही है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं बंगाली लोगों का, तो वो तो होंगे ही, आगे आगे आएगा। फिर मेरी बेटी के साथ मिलाते हैं मम्मा एक्चुअली अभी ना मतलब सोने का भी टाइम हो गया तो नींद आ रही है। हेलो बाबा, हेलो हेलो बाबा, हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी नवमी। सब बहुत अच्छे से पूजा को एंजॉय करें, घर बैठे आप लोग पूजा देखिए मोबाइल में टीवी में, पर बाहर जाके मत देखिए। हाँ और मेरी बेटी भी आज नए ड्रेस पहने हैं, कितना सारा ड्रेसेस हुआ है मेरी मम्मम का। हेयरबैंड भी पहने हैं, हेयरबैंड तो कितना सारा है, हर ड्रेसेस के साथ अलग अलग से हेयरबैंड पहना हो। बस अभी एक्चुअली लंच टाइम भी है, हम लोग लंच करेंगे थोड़ी देर में।
थोड़ी देर में लंच भी करेंगे मम्मा, थोड़ी देर में लंच भी करेंगे। और आज बाबा, और आई थिंक आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग ही बहुत एंजॉय किए होंगे पूजा घर बैठे, और बस सबके साथ, फैमिली मेंबर के साथ अच्छे से एंजॉय कर पाए। इस बार तो वैसे भी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मतलब उनको छुट्टी मिल गए, मतलब फैमिली के साथ टाइम बिताने का जो मौका है वो तो उतना नहीं मिलता है ना, जो लोग जॉब करते हैं या जो भी प्रोफेशन में है, उन लोगों के लिए फैमिली के लिए टाइम उतना नहीं होता है। लेकिन इस बार चाहे इस सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ टाइम जो है वो दे, मतलब फैमिली को टाइम दे पाए जो पहले नहीं होता था, तो वो एक अच्छा चीज है। मतलब बोलते हैं ना कि हर एक बुरा चीज के पीछे कुछ अच्छा भी होता है, तो मतलब जस्ट वो नजरिया का बात है कि आप किस तरीके से देखते हैं चीजों को। तो वो देखो कैसे खेल रहे हैं ये, मेरी चूड़ी, मैंने चूड़ी पहना, जैसे कि लाल या तो कोई कलरफुल कुछ दिखते है ना, तब जाके मतलब ऐसे करके खेलते हैं हाथ लगा के। फिर आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत मतलब जैसे भी कोई ड्रेसेस होता है, ड्रेसेस का कुछ कलर हो, उस कलर को देख के ऐसे मतलब उसको देखते रहते हैं। जैसे मैंने ये मैंने पहना हुआ है, तो इसको ऐसे ऐसे कर रहा है कलर देख के। बाबा तुम्हारा शोर टाइम होएगा जो है ना, तुम्हें एक घूमो को भेज दो बाबा। ठीक है, ओके, चलिए तो अभी लंच कर लेते हैं। और अभी मैं बोल रही थी कि लंच में बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं, उस दिन मम्मी ने चिली चिकन बनाए थे तो उसका बोनलेस गड्ढे किए थे, तो उसका ही कुछ चिकन बचा हुआ था, तो उसके साथ अंडा और क्या बोलते हैं उसको, आलू, अंडा और आलू के साथ बनाया है, और करेले फ्राई और खीरा और एक ग्रीन लेमन और चावल, बस सिंपल सा है आज का लंच। गुड इवनिंग, और हम लोगों का अभी चाय हम लोग पी लिए, चाय बिस्किट। और चाय बिस्किट पीने के बाद मेरी बुआ आई है पिशी, और आज है कितना प्यारा लग रहा है देखो, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना कितना स्वीट लग रही है, कितना स्वीट। मैं इसलिए अचानक से वीडियो बना लिया। एक्चुअली बहुत ज्यादा सजते नहीं है, आज बोल रहे हैं कि पूजा भी है, चलो आज थोड़ा सा सज धज के आते हैं। तो मम्मी के साथ मार्केट जाएंगे, मम्मी का कुछ सामान लाना है, इसलिए इधर ही पास ही जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं। तो क्या जा रहे हो? ओके ठीक है, चलो है एक लोग घेरा था, चलो तो फिर चलो नीचे चलो, दर्जाटा दी दी चप्पल टपड़ी, तभी मम्मी जाएंगे। एक्चुअली कल दशहरा है, दशमी के दिन हम लोग जो है ना वो स्वीट्स मिठाई लाते हैं, फिर कुछ तुम्हारे ये छोटा बैग में अपने हाथ बैग देख, तो वही मैं बोल रही थी कि कुछ स्वीट्स कुछ चीजें लाएंगे इधर। चलो हमने ठीक है चलो ईशो, কেউ কিছু বলবে না।